आपको याद होगा हम लोग हमारे जू में एक काफी प्यारा सा और छोटा सा बटरफ्लाई का हैबिट बिल्ड करा था एंड आई एम सो सॉरी लास्ट एपिसोड में भी मेरे माइक का कुछ इशू हो गया था सो दैट्स वाई मैं ठीक से वो एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो आई थिंक 10 या 8 मिनट का मैंने अपलोड करा था बट आज के एपिसोड एकदम फुल्ली प्रॉपर आएगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा मैंने लास्ट एपिसोड में क्या करा था। तो लास्ट एपिसोड में हमारे जू में ये बटरफ्लाई का हमने यहाँ पे काफी एक प्यारा सा एनक्लोजर बिल्ड करा था। ये इसकी आप बॉर्डर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और आपको मैं एक बार अंदर जाकर दिखाता हूँ बटरफ्लाइज किधर है। मतलब काफ़ी छोटी बटरफ्लाइज है और 2-3 प्रजाति के बटरफ्लाइज हमारे जू में रहती है। तो ओके एक बटरफ्लाई तो इधर ही दिख गई भाई देखो मतलब कितनी छोटी है दिखाई भी नहीं दे रही। देखो ये यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे है और दूसरा बटरफ्लाई इधर है देखो ये यहाँ गुलाबी आई मीन ये ब्लू कलर का है। तो काफ़ी सारे बटरफ्लाइज है और इनको देखने के लिए देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आते हैं और ये पूरे फैमिली के साथ आते हैं। तो यू नो फैमिली फ्रेंडली हमारा बटरफ्लाई आप भी आपके उसको देख सकते हो एंड कुछ बटरफ्लाई इधर भी है और यहाँ पे इनके छोटे से प्यारे से हाउसेस है। जैसे मैंने गेम ऑन कर दिया यहाँ पे कितने सारे लोग आ गए बटरफ्लाइज को देखने के लिए। तो अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो डोनेशन कलेक्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे मामला पानी देखना पड़ेगा अपने इतने थोड़ा सा पैसा कमवावा लगे गाइज। तो इधर से हम लोग ये उठाएंगे अभी यार उठ जा ये इधर से डोनेशन बॉक्सेस को मैं से उठाएंगे और अभी सारे डोनेशन बॉक्सेस हम बटरफ्लाइज के लिए यहाँ पे अंदर रखेंगे ताकि यहाँ पे लोग हरी पत्ती डाल सकते। चलो डालो भाई हरी पत्ती डालो हरे कोई हरी पत्ती डालेगा इसमें। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डोनेशन बॉक्सेस लगा दिए और देखो लोगों ने हरी पत्ती डालना शुरू कर दिया तो यहाँ से भी हमारा इनकम आना शुरू हो जाएगा। वैसे इनकम से याद आया आपको याद होगा कुछ एपिसोड्स पहले मैं हमारे जू के अंदर कुछ हॉर्सेस को लेके आया था लेकिन उनका हमने हैबिटेट बिल्ड नहीं करा था। तो मैं आज सोच रहा हूँ सबसे पहले उनके लिए हैबिटेट बिल्ड करते हैं और उसके बाद हम फ्लेमिंग गो को लेके आएंगे। तो एक बार देखते हैं एनिमेटिंग में वो हॉर्सेस किधर। मैंने 4 या 5 हॉर्स को बिल्ड करा था आई मीन बाय करा था। ये रहे वो हॉर्सेस जिनको मैंने अडॉप्ट करा था कुछ एपिसोड्स पहले। तो टोटल आई थिंक 3 हॉर्सेस थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है या 3 ही हॉर्सेस थे। तो आज सबसे पहले इनके लिए एक इनक्लोजर बनाते हैं एंड देन उसके बाद हम फ्लेमिंगोज को भी लेके आएंगे। वैसे फ्लेमिंगोज तो मिलते हैं ना हमारे जू में मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा ये मैंने ऑफलाइन सर्च करा था या फ्लेमिंगोज तो मिल रहे तो मेरे पास अभी कंजर्वेशन क्रेडिट्स 500 है तो फीमेल पैसों में मिल रही है। अभी सबसे पहले देखते हैं इनका हेल्थ वगैरह कैसा है फर्टिलिटी वगैरह सब कुछ ग्रीन होना चाहिए ये इधर तभी हम इनको इन्हों अडॉप्ट करेंगे। हाँ ये बढ़िया लग रहा है फ्लेमिंग इसको आई मीन फ्लेमिंगो इसको अडॉप्ट करते हैं ये 500 में आ जाएगा अडॉप्ट इसको अडॉप्ट कर लिया मैंने लेट्स गो। और एक और अभी ये मेल था ना मुझे अभी फीमेल भी चाहिए होंगी फीमेल ओ ये बढ़िया लग रही है पर इसके लिए 500 कंजर्वेशन क्रेडिट चाहिए। अगर कंजर्वेशन क्रेडिट चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन होता है फ्लेमिंगो को आई मीन ये पेंगविन को रिलीज़ करने का। जब भी हमको कंजर्वेशन क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ती है ये पेंगविन्स का काफ़ी यूज़ आता है तो अभी आज से कुछ पेंगविन्स को रिलीज टू वाइल्ड करते हैं ताकि थोड़े से कंजर्वेशन क्रेडिट्स हमको मिल सके। इतने में आई थिंक हो जाएगा भाई पेंगविन्स की ना पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है रिलीज टू वाइल्ड। वो 1000 कंजर्वेशन क्रेडिट्स मिल रहे हैं आई टेक इट थैंक यू सो मच 1000 कंजर्वेशन क्रेडिट्स आ गए गाइस पेंगविन को रिलीज करने से। तो अभी हम उस फीमेल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो काफ़ी हेल्दी है या ये वाले पेंगविन नहीं फ्लेमिंगो या दो फ्लेमिंगो को अडॉप्ट कर लिया। अभी थोड़े से और क्रेडिट्स है एक और फीमेल को अडॉप्ट करेगा एक और को अडॉप्ट करते आई थिंक या 3 फीमेल्स आ गई बट अभी फ्लेमिंगो का हैबिटेट बिल्ड करने से पहले आपको मैं एक बार वो घोड़े का देखता हूँ। हाँ ये वाला इसे जो अनलॉक था वो तो अभी वही मतलब अनलॉक था वो अनलॉक ही है तो मैंने एक और डाउनलोड करा ये वाला हॉर्स का बान और काफ़ी प्यारा सा बान है। तो ये बान हम कहाँ पे बिल्ड करें और वैसे भी गाइज ये चीज़ बिल्ड करने से पहले ना मैं आज एक और वर्क जोन ना यहाँ पे बिल्ड करना चाहता हूँ आई मीन ये वाली जगह पे क्योंकि अभी थोड़ा सा जू को मैं इस तरफ एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ लेकिन उससे पहले ये जो पैथ है उसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा पैथ बनाए जस्ट लाइक दिस और अभी इधर की ज़मीन को थोड़ा सा प्लेन करते एकदम प्रॉपर जस्ट लाइक दिस और यहाँ पे भी हमारा एक नया वर्क जोन बनेगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस न्यू वर्क जोन और ये वाला फिर नया वर्क जोन हमारे फ्लेमिंगो को एंड जो हमारे बाकी के यू नो हैबिटेट्स हैं उनको मैनेज करेगा। तो अभी यहाँ पे वर्क जोन अभी कौन सी थीम में बनाएं कुछ अलग थीम का भी यूज़ करते हैं क्योंकि अभी अलग अलग थीम्स को या थिंक हमको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। मैंने ऑस्ट्रेलियन थीम का बनाया था तो अभी यहाँ पे कोई और थीम है क्या वो एक बार चेकआउट करते हैं। अभी यहाँ पे और कौन सा थीम है एक्वेटिक थीम है यहाँ से हम DLC से भी यू नो फिल्टर कर सकते हैं थीम के हिसाब से लिया। तो अभी कौन से इंडियन थीम में कोई बनाया क्या इंडियन वैसे इंडियन बना सकते हैं हम लोग इंडियन थीम में ये सब कुछ आएगा यहाँ पे इंडियन थीम का हाँ ये कीपर वगैरह या इंडियन थीम का ही बनाते हैं। यहाँ पे मैं फ़िल्टर कर देता हूँ ये मैंने फ़िल्टर ऐड कर दिया अभी यहाँ पे इंडियन तो अभी यहाँ पे इंडियन थीम की सारी चीज़ आएंगी। ये इंडियन बेंच ये सोफे की तरह लग रहा है ओके तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें बना देते इंडियन मार्केट ये भी है मार्केट कितने का आ रहा है $20,000 में बन रहा है नहीं मार्केट नहीं हमको यहाँ पे थीम बनाना है इंडियन थीम।
A few moments later. ये मैंने यहाँ पे गेमर्स एक इंडियन जो थीम है हमारा स्टाफ का वो यहाँ पे बिल्ड कर दिया है और अभी यहाँ पे थोड़े से हम डेकोरेशन करने के लिए चीजें लगाएंगे जो कि इंडियन थीम की चीजें होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हमको इंडियन थीम का यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। जो भी इंडियन थीम का मिलेगा वो हम सारी चीजें यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज वगैरह तो यहाँ पे फिल्टर में आते हैं, थीम सिलेक्ट करते हैं और जो इंडियन थीम का होगा वो सब कुछ हम यहाँ पे लगाएंगे, मतलब डिजाइन में भी जो भी होता है। तो यहाँ पे ये नेचर सीनरी है, थोड़े से ट्रीज वगैरह, तो ये ट्रीज वगैरह यहाँ पे ऐसे होने चाहिए। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आओ यहाँ पे। ओके, ये मैंने कुछ ट्रीज लगा दिए, फिर एक बड़ा सा ट्री भी है ये वाला, तो ये वाला ट्री भी यहाँ पे रहेगा सा। ओके, ये ट्री लगा दिया, फिर ये फ्रूट्स कुछ, तो फ्रूट्स भी है, तो ये फ्रूट्स भी इधर लगेंगे रहेंगे कुछ इस तरीके से। अभी देखो बढ़िया लग रहा है ये। यस, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। ट्रीज विथ लाइट्स, ओ ट्रीज के ऊपर लाइट्स लगी है, ओ भाई भाई भाई, तो ये चीज़ हमको फिर लगानी चाहिए यहाँ पे। एक ट्री यहाँ पे रहेगा और इसको उठा के एक और ट्री लगाते हैं। दो तीन ट्रीज तो यहाँ पे होने चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो एक यहाँ पे लगा दिया, तो एक यहाँ पे ऐसा लाइन से ही लगाते, फिर चार पाँच ट्रीज बढ़िया लगेंगे, मतलब ये चमकेंगे रात को, बढ़िया लगेगा। तो ये पूरा रोड को ना यहाँ पे ऐसे कवर करते। नाइस, बढ़िया लग रहा है ये। और अंदर की तरफ भी फिर होने चाहिए ट्रीज यहाँ पे। फिर यार ये हैबिटेट दिखेगा नहीं अगर मैंने ज़्यादा ट्रीज लगाए तो। नहीं यार, ज़्यादा ट्रीज नहीं लगाने चाहिए आई थिंक। एक ट्री यहाँ पे रहेगा एंड एक ट्री यहाँ पे रहेगा। तो गाइस लगभग हमारा इंडियन हैबिटेट जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अभी बस मुझे यहाँ पे कुछ स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे पैसे खर्च कर दिए, बट ये इंपॉर्टेंट था। तो अभी यहाँ पे केयर टेकर वगैरह हम हायर करेंगे, 1, 2 केयर टेकर आ गए। फिर उसके बाद थोड़े से कीपर भी आई थिंक 2 होने चाहिए, क्योंकि 4-5 हैबिटेट तो इसके अंदर ऐड होने वाले। असाइन टू एग्जिस्टिंग वर्क जोन और यहाँ पे इंडियन वर्क जोन, लेट्स गो। लगभग मैंने सारे वर्कर्स को अभी इंडियन वर्क जोन के अंदर ऐड कर दिया और अभी गेम को ऑन करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी अभी ये लोग न्यू वर्क जोन के अंदर कैसे काम करते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये सारे लोग अपना यू नो काम करना शुरू कर देंगे, मैकेनिक ने भागना शुरू कर दिया और अभी बस मुझे यहाँ पे वो नया वर्क जोन लगाना है। फैसिलिटी इज विदाउट पावर, कौन सी फैसिलिटी? ओ वेट वेट वेट, इधर इनको पावर नहीं मिल रही हमारे नए वर्क जोन को, तो अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पावर के लिए ये लगाना पड़ेगा। कहाँ पे गया हमारा? या ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पे लगा दिया, नो वरीज। अभी यहाँ पे इसको पावर वगैरह मिलेगी, अंधेरे में ये ट्रीज वगैरह चमकेंगे तो भाई बहुत मजा आएगा। कीपर कैनॉट रीच हैबिटेट, अरे यार ये इसके अंदर हैबिटेट के अंदर कीपर रीच नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो व्हाई। मैकेनिक कैनॉट रीच हैबिटेट, ये बियर का अभी भी सीन चल रहा है यहाँ पे, मैकेनिक अभी भी नहीं आ पा रहा, आई डोंट नो व्हाई। और वैसे बियर ने बच्चे पैदा करना यहाँ पे शुरू कर दिया, इसका हेल्थ आउटसाइडर है ये। अरे भाई हमेशा इनका ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है। अभी दो बियर यहाँ पे ना बीमार पड़ते रहेंगे, तो ये आउटसाइडर को फिर रिलीज टू वाइल्ड करते हैं। ये फीमेल है वैसे, ठीक है, इसको रिलीज टू वाइल्ड कर दिया, लेट्स गो। ये मैंने हैबिटेट को यहाँ पे गेमर्स बिल्ड कर दिया है। सो ये थोड़ा सा हवा में ही बिल्ड हुआ है आई थिंक। अरे भाई हवा में ही बिल्ड हो गया ये, आई मीन एक साइड इसका हवा में बिल्ड हो गया, तो मुझे इधर का ना ज़मीन को थोड़ा सा ऐसा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा सा फिर ऐसा ऊपर लेके आते हैं, चेन लगा देते हैं बड़ी वाली और इसकी हाइट थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे जस्ट लाइक दिस। अभी यहाँ पे हमारा हैबिटेट बन के तैयार हो गया, चेन भी लगा रही मैंने साइड से और अभी यहाँ पे इसको लोग आके देख भी सकते हैं। और अभी बस मुझे यहाँ पे एनिमल्स को सेंड टू ज़ू करना पड़ेगा, हमारे हॉर्सेस को। तो यहाँ पे आते हैं हॉर्सेस में, एनिमल ट्रेडिंग में थे हॉर्सेस, हाँ यहाँ पे थे, तो यहाँ से एनिमल्स को सिलेक्ट करते एंड सेंड टू ज़ू। और अभी इनका यहाँ पे नया हैबिटेट होगा, ये मैंने यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल कर दिया और अभी हमको ये नया हैबिटेट को नए हैबिटेट के अंदर ऐड भी करना पड़ेगा। आई मीन हमारा जो अभी इंडियन थीम है उसके अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं स्टाफ में, वर्क जोन्स में और इंडियन वर्क जोन में आके यहाँ पे ये नया थीम यहाँ पे ऐड होगा। और इधर के जो कुछ ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह है इनको भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। सिनेमैटिक व्यू में अगर आपको मैं हमारा इंडियन थीम दिखाऊँ तो भाई बहुत प्यारा लग रहा है। देखो ट्रीज पे लाइट लग चुकी है, वाओ। एंड ये हमारा स्टाफ भी लेके आ गया हॉर्सेस को, सो लेट्स सी हॉर्सेस कैसा दिखता है। आई मीन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आई थिंक छोटा ही होगा हॉर्स। तो ये हॉर्सेस हमारे जू में आ चुके हैं, हैप्पी बर्थडे लिख दो हॉर्सेस के लिए। वाओ काफी प्यारा सा है ये, खच्चर की तरह लग रहा है यार। ठीक है दोनों हॉर्सेस आ गए, अभी इनका इनक्लोजर एक बार देखना पड़ेगा। ये खुश तो है ना यहाँ पे, इनका परफेक्ट, या बाकी इनका एकदम सही है, बहुत सही है, एंडेजमेंट वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। और अभी यहाँ पे हमारा वेट भी आ चुका है इनको चेकआउट करने के लिए। एंड देखो उन्होंने यहाँ पे दौड़ना शुरू कर दिया, काफी खुश लग रहे। और यहाँ पे अंदर इनका पूरा प्रॉपर एक तबेला है, वाओ भाई लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे। तो हॉर्सेस को ना यहाँ पे बोर बिल्कुल नहीं होगा, नाइस नाइस नाइस, लगभग सारी चीज़ें खाने की भी चीज़ें, एंडेजमेंट एकदम परफेक्ट है। एंड गाइस ये हमारा देखो इंडियन थीम क्या बढ़िया लग रहा है यार, ये ट्रीज में ना लाइट्स बहुत प्यारी लग रही है। सिनेमैटिक व्यू में देखो क्या प्यारा सा नज़र आ रहा है भाई, दिस इज सो कूल, वाओ बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे बॉडीगार्ड घूम रहा है, अच्छी बात है, घूमो भाई
चारों तरफ देखो हमारे जूम में क्या चल रहा है, और वैसे भी हमारे जूम में अंधेरा हो गया, तो भी मुझे सुबह होने का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और सुबह होने के बाद हम फ्लेमिंग गो का भी यहाँ पे एक प्यारा सा हैबिटेट बिल्ड करेंगे। तो काम करते हैं, गेम का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते A few moments later. फ्लेमिंगो, मैंने फ्लेमिंगो के भी दो तीन हैबिटेट्स डाउनलोड करे थे, बट कुछ हैबिटेट इसके लॉक्ड है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया हैबिटेट लॉक्ड है। तो मेरे पास एक ही आई थिंक अनलॉक है, ये वाला हमको ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक ट्रॉपिकल फ्लेमिंगो हैबिटेट। तो ये हैबिटेट यहाँ पे आई थिंक लग जाएगा इजीली ऐसा यहाँ पे। ओके बन गया ये, और काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से बना है, मुझे आई थिंक थोड़ा सा और नीचे बनाना चाहिए था, बट ठीक है, ऊपर से भी बढ़िया ही लग रहा है ये। और यहाँ से हम साइड से ना पाथ बनाएंगे लोगों के जाने के लिए। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा स्टाफ का पाथ बनाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कनेक्ट। ओके मैंने स्टाफ के पाथ को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया फ्लेमिंगो के लिए, तो भी हमारा स्टाफ यहाँ से इजीली वहाँ पे जाके फ्लेमिंगो की देखभाल कर सकता है। एंड मैं सोच रहा हूँ वैसे फ्लेमिंगो के दिन हम दो हैबिटेट्स बनाएं यहाँ पे, सबसे पहले एक ही बना के देखते हैं, अगर ये अच्छा बना और इसकी अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो हम एक और बनाएंगे। एंड ना अभी मुझे इसको वर्क जोन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, हमारे इंडियन वर्क जोन के अंदर ये मैंने ऐड कर दिया फ्लेमिंगो का हैबिटेट, लेट्स गो। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा आई थिंक, या इसको भी ऐड करना पड़ेगा। परफेक्ट, तो मैंने यहाँ पे फ्लेमिंगो का हैबिटेट बिल्ड कर दिया, और अभी जहाँ पे जल्दी से एनिमल्स को वहाँ पे सेंड कर देते। मैंने जो फ्लेमिंगो को यहाँ पे अडॉप्ट किया था, तो ये आ गए 1, 2, 3 और तीनों को बैच मिला, इसका मतलब ये काफ़ी फेमस एनिमल्स है। तो यहाँ पे सेंड टू जू करके, तो ये हमारा स्टाफ आई थिंक जल्दी उनको लेके आ जाएगा। आ जाओ भाई जल्दी से, गेम का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे ताकि स्टाफ जल्दी से फ्लेमिंगो को लेके आए। एनिमल अट्रैक्टेड वेलफेयर्स, एक और लामा को कुछ इशू हो रहा है यहाँ पे, तो एक काम कर रिलीज टू वाइल्ड कर ले इधर से, कट ले फिर, जो भी एनिमल को यू नो वेलफेयर का इशू आएगा उसको हम सीधा यहाँ से भेज देंगे। और ये हमारा आई थिंक स्टाफ उसको लेके दे, ओके आ गया लेके फ्लेमिंगो को। एक सेकेंड अभी गेम के यार स्पीड नॉर्मल करो। ओके ठीक है, कहाँ पे गया फ्लेमिंगो, अभी कहाँ पे गया वो, ओ इधर आ गया, हाँ ये रहा ये रहा, लेट्स गो। कितना भी क्यूट और प्यारा सा एनिमल है, देखो एक और फ्लेमिंगो आ गया, आई थिंक स्टाफ ने सारे फ्लेमिंगो को यहाँ पे आके छोड़ दिया। तो गाइस देखो फाइनली हमारे जू में फ्लेमिंगो आ चुका है, बहुत प्यारा एनिमल होता है ऐसा गुलाबी कलर का, ये हमारे यहाँ पे मिलता है, आई मीन बिग वन के पास एक यू नो एक बहुत ऐसा नदी है काफ़ी बड़ी सी, आपने यू नो सुना होगा उसके बारे में, और वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से मैं 40-30 किलोमीटर पे मतलब रहता हूँ, तो ये हमारे घर के पास ही है, और मैंने वो देखा है खुद लाइव जाके, तो काफ़ी यू नो बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और सारे गुलाबी गुलाबी होते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे प्यारा सा पेंगुइन आ गया, पेंगुइन नहीं क्या बोलते उसको, फ्लेमिंगो। अभी यहाँ पे इसका सोशल कुछ ठीक नहीं है, स्पेस इनसफिशेंट एरिया और क्राउडिंग इशूज़ आर प्रेजेंट, एंट्रीचमेंट नहीं है। अरे भाई 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 ये इसके लिए कम स्पेस है क्या भाई, इतना बड़ा एरिया है फिर भी कम स्पेस है, तो थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। एक काम करते फिर मैं ना एक और बना देता हूँ इसका हैबिटेट सेम, हाँ ये सेम बना देते, काम करते गेम का यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में मतलब पॉज कर देता हूँ, और एक और हैबिटेट में बिल्ड करूँगा, और ये फिर दोनों हैबिटेट्स को मर्ज करेंगे जस्ट लाइक दिस। ये जो हैबिटेट है ये इसका इधर आएगा। ओके बन गया, एक और हैबिटेट बन गया, और अभी बस मुझे यहाँ पे ये जो ज़मीन है उसको प्लेन करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ का जो ये टेरेन है मुझे उसको सबसे पहले मैच करना पड़ेगा, ये इसको सिलेक्ट करके, इसको नहीं मुझे इसको सिलेक्ट करना है ये। ओके मैंने दोनों अभी हैबिटेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, और इधर का जो गेट है मुझे बस इसको भी यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ओके परफेक्ट, एंड ये कनेक्टेड ओवर है। ओके गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे ये एक ही हैबिटेट बिल्ड कर दिया है, और ये इससे ये इसको कनेक्ट हो गया ना, या कनेक्शन तो हो गया, अभी बस मुझे इधर के लैंड को थोड़ा सा प्लेन करना पड़ेगा, और इधर के जो बैरिकेड्स है इनको हटाते हैं। फाइनली मैंने इसके भी कनेक्शंस कर दिए, एंड इसके जो बीच का लैंड है अभी बस उसको एक बनाते हैं, सिंपल एज दैट। लेवल टर्न का टूल लेके इसका साइज कम करना पड़ेगा। ओके अभी ये पूरा लेवल एक होगा। फाइनली गेमर्स मैंने फ्लेमिंगोज का हैबिटेट एक साथ अभी मर्ज कर दिया है, तो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्लेमिंगोज का हैबिटेट हो गया। सो अभी देखते हैं क्या फ्लेमिंगोज इधर आएंगे, लेट मी चेक। हेलो फ्लेमिंगो आ जा भाई। अभी यहाँ पे फिर भी यहाँ पे सोशल का इशू आ रहा है, एनरिचमेंट का इशू है, तो सबसे पहले काम करते हैं इनका, सबसे पहले एनरिचमेंट यहाँ पे यू नो देख लेते हैं एनरिचमेंट का। एनरिचमेंट के लिए मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ें लगा देता हूँ जस्ट लाइक दिस, ये इधर भी थोड़ी सी होनी चाहिए चीज़ें। फिर ये यहाँ पे एक मिरर मोबाइल नाम की एक चीज़ है, ये आई थिंक इनको पसंद होती है, तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी लगा देते फिर जस्ट लाइक दिस। ओके दो मिरर मोबाइल्स लगा दिए मैंने, ये मैंने यहाँ पे पानी को ऐड कर दिया, लेट्स गो। तो अभी फ्लेमिंगोज के हैबिटेट में पानी भी है, एंड इसका शेप ज़रा सा वियर्ड लग रहा है बट बढ़िया लग रहा है, एकदम ऐसा नेचुरल शेप है। और मेरे को अभी यहाँ पे वेट आके आई थिंक चेक कर रहा है फ्लेमिंगोज को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कोई बीमार वगैरह है या नहीं। तो फ्लेमिंगो भी यहाँ पे आई थिंक काफ़ी खुश लग रहे हैं, ये वैसे इसको खुजा रहा है अभी, क्या हो रहा है तेरे को,
इसका बस हेल्थ ठीक रहना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। सोशल ग्रुप का अभी भी इशू है। ओ वेट, सोशल ग्रुप का इशू इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे अडल्ट की संख्या कमी है, तो थोड़ा मुझे अडल्ट का यहाँ पे करना पड़ेगा। और फूड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है यार, मुझे फूड इन्वेस्टमेंट का यार कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बस मुझे एक चीज़ करनी है एंड वो ये है कि मुझे अभी यहाँ पे जाने के लिए लोगों के कुछ रोड्स बनाने हैं, पैथ बनाने हैं, क्योंकि आई मीन ताकि लोग यहाँ पे पेंगुइन को भी देख सके। तो पेंगुइन का पैथ बनाने के लिए मुझे यहाँ से ये वाला पैथ सीधा लेके आते हैं इस तरीके से, यहाँ से इसको हम ऊपर लेके आएंगे जस्ट लाइक दिस पेज अप। ओके, ये यहाँ से ऐसा आएगा। तो अभी जल्दी से यहाँ पे मैं रोड के कनेक्शंस कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आके अभी लोग हमारे, मैं वापस से नाम भूल गया, फ्लेमिंगो को देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा जो पेंगुइन का हैबिटेट है, आई मीन हमारे फ्लेमिंगो का हैबिटेट है, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और एक काफ़ी लंबा मैंने रूट कंप्लीट कर दिया, मतलब यहाँ पे बना दिया। तो भी लोग यहाँ पे चारों तरफ से हमारे फ्लेमिंगोस को देख सकते हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमारे फ्लेमिंगो का हैबिटेट। बट अभी यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे थोड़े से यहाँ पे ट्रीज लगाने चाहिए आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज की थोड़ी सी कमी लग रही है, काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो यहाँ से हम ये वाले लाइटिंग वाले ट्रीज इधर लगाएंगे, बढ़िया लगते हैं यार ये। तो यहाँ पे ये ट्रीज को मैं लगा रहता हूँ, एक ट्री इधर रहेगा, एक ट्री इधर रहेगा। अभी देखो कैसे चमक रहा है हमारा हैबिटेट भी। और कुछ ट्रीज में ऐसे ऐसे इसके साइड में भी फिर लगा देता हूँ इस तरीके से। हाँ भाई, इसको पूरा ना ट्रीज से ही कवर करते हैं ऐसा, इस तरीके से बहुत बढ़िया, मतलब देखने में भी ये अच्छा लगेगा और नेचुरल ऐसा लुक भी आएगा। तो मैं चारों तरफ इसके ये ट्रीज लगा देता हूँ रंगी बिरंगी। और इधर आई थिंक इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिला इसको, डोंट वरी, वो भी मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा। फाइनली गाइज मैंने चारों तरफ हमारे फ्लेमिंगोस के ट्रीज लगा दिए और भाई क्या हैबिटेट लग रहा है। अभी बस थोड़े से हमको इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस करवाने हैं, तो वो जल्दी से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये आ गया यहाँ पे एक बॉम्बा, ये अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आई थिंक सबको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे लगाते हैं एक ट्रांसफार्मर, और अभी मुझे यहाँ पे ट्रांसफार्मर का एक पाथ यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, आई मीन हमारे स्टाफ का, ताकि स्टाफ इसको आके यहाँ पे चेक कर सके। तो ये ट्रांसफार्मर का पैथ से ये इधर कैसे, ओके यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से आ जाए आगे एंड कनेक्टेड ओवर हेयर। ओके, कनेक्शन कर दिया मैंने, अभी देखो वाओ भाई बहुत सही लग रहा है। चारों तरफ से मैंने हमारा हैबिटेट कवर कर लिया है, चारों तरफ से हमारे फ्लेमिंगो का हैबिटेट, एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। अभी बस यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा लोग आते कि नहीं, और बाइसन के बीच में लड़ाई चल रही है। अभी ये अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, अरे यार क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम लोग, चल निकल इधर से, फिर इसको रिलीज टू वाइल करते हैं। एक बाइसन यहाँ से चला जाएगा। मे बी जब भी ना यहाँ पे मतलब मेल्स की ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो हमेशा ये लोग लड़ाई ही करते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे वैसे कोई आ रहा है क्या फ्लेमिंगो को देखने के लिए, भी लोग आने चाहिए। या लोगों ने आना शुरू कर दिया है, सो या आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट पीपल। तो यहाँ से ये डोनेशन बॉक्सेस उठाते हैं, और अभी मुझे बहुत सारे डोनेशन बॉक्सेस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे जहाँ से लोग हमारे फ्लेमिंगोज को देख सके। यहाँ पे एक रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, अभी ये लग नहीं रहे, क्यों भाई लग जाओ। या एक यहाँ पे लग रहा है, फिर ये यहाँ पे भी लग रहा है। लोग किधर से देख रहे हैं, मुझे वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो या वहाँ पे एक है डोनेशन बॉक्स, तो वहाँ पे लोग डोनेशन कर सकते हैं। फिर एक इधर रहेगा, और मुझे ऐसी जगह पे ना ये लगाने चाहिए जहाँ से ना फ्लेमिंगो खाना वगैरह खाते। वैसे इनका भी खाने का अरेंजमेंट हुआ नहीं है, वो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में हो जाएगा। अभी के लिए तो मैं यहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस ही लगा रहा हूँ बहुत सारे। तो ये एक इधर रहेगा, ओके लग जा, ओके लग गया, और एक इधर भी लगेगा। वाओ, नीचे से भी दिखाई दे रहा है, देखो इसके पैर चल रहे हैं। वाओ भाई बहुत खूबसूरत एनिमल है। तो ये यहाँ पे एक फ्लेमिंगो है, बाकी के फ्लेमिंगोस किधर है, मुझे उनको भी चेकआउट करना पड़ेगा। एक फ्लेमिंगो इधर है और लोग आई थिंक इसको देख रहे हैं ना, अरे को ओ इधर इसको देख रहे हैं। हाँ लेट्स गो, अबे इन्होंने बच्चे भी पैदा करना शुरू कर दिए, लेट्स गो। बहुत प्यारा छोटा सा आ गया हमारा छोटू पेंगो आ गया, देखो उसको इधर से लोग भी देख रहे हैं। चलो भाई हरी पत्ती डालो इसमें, हरी पत्ती ये लोग डाल रहेगा, हरी पत्ती ओ $0 यार, अभी तो कोई हरी पत्ती नहीं डाल रहा है यार, क्यों जल्दी से यार हरी पत्ती डालो इसमें, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए मैंने हमारे फ्लेमिंगो के हैबिटेट में। बट यार काफ़ी प्यारा हैबिटेट बनाया, और जब सुबह हो जाती है तो भाई और भी खिल उठता है हमारा फ्लेमिंगो का हैबिटेट। जस्ट लुक एट दिस क्यूटी पाई हैबिटेट। और रात में तो भाई चमकता ही है, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे ये लगा दिए। और कुछ लोग इधर आ रहे हैं, ओके सारे लोग तो इधर से देख रहे हैं, यहाँ से भी कुछ लोग देख रहे हैं। भाई चलो हरी पत्ते डालो इसमें। ये कीपर अभी इनके लिए यहाँ पे खाना भी लेके आ गया। ओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आई थिंक इनको भी खाना मिल चुका होगा। हाँ खाना भी इनको लगभग थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, तो अच्छी बात है, इनको यहाँ पे खाना वगैरह मिलेगा, पानी मिलेगा। सो लगभग हमारा भी फ्लेमिंगो का हैबिटेट पूरी तरीके से तैयार है। नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे मैं और थोड़ा सा उन्होंने इसको अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। इसके ऊपर अभी हम रिसर्च तो कर ही रहे हैं, और अभी वेट यहाँ पे कुछ खाना लेके आ गया, आई थिंक इधर ही खाना डालेगा ये। या ये फूड बाउल है, तो यहाँ पे ये खाना डालेगा, और इधर भी कुछ फ्लेमिंगोज है, या कि इधर से खाना खा लेंगे आई थिंक, या सारे उधर चले गए। आ जाओ भाई खाना खाने के लिए। हेलो, अभी तो मुझे यहाँ पे कोई फ्लेमिंगो दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक आ जाएंगे। देखो उधर से ये लोग अभी यहाँ पे उड़ के आ रहे हैं, उनको उड़ना भी आता है।
हाँ ये लोग उड़ भी सकते हैं, बस ये उड़ के बाहर ना चला जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो आई थिंक आज के एपिसोड के लिए इतना इनफ है। आज हमने काफ़ी प्यारा सा यहाँ पे फ्लेमिंगो का हैबिटेट बनाया और मुझे और कौन से एनिमल्स को हमारे जू के अंदर लेके आना चाहिए मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर, तो मैं उनको लेके आने की कोशिश करूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।